वक्त इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज देश की एक बेटी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार शहीद की शहादत पर कब तक राजनीति होगी। शहीद सरपंच अजय पंडिता की हत्या का राजनीतिकरण करने पर उनकी बेटी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा, कहा मेरे पिता ने देश के लिए जान दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं। अगर उनकी हत्या का सम्मान नहीं कर सकते तो राजनीति ना करें। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों का शिकार हुए शहीद अजय पंडिता की बेटी नियंता पंडिता ने अपने पिता की हत्या का राजनीतिकरण करने पर कांग्रेस की निंदा की है। गौरतलब है अजय पंडिता कांग्रेस के टिकट पर ही डूरू से सरपंच चुने गए थे। आतंकियों द्वारा उनकी हत्या पर कांग्रेस ने कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। इस बयान को सरपंच की बेटी ने शर्मनाक बताया है। पहली बात तो ये, जो पार्टीज मेरे पापा के इशू को पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश कर रही हैं, सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत ही शर्मनाक बात है कि मतलब कोई इंसान अगर अपने देश से इतना प्यार करता है, उसके लोगों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है, और आप लोग क्या करते हैं, उसे पॉलिटिकल इशू बना देते हैं, उसे अपनी पॉलिटिक्स में यूज़ करने लगते हैं और अपना फेम निकालने की कोशिश कर लेते हैं, अपनी पार्टी का नाम निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ये बहुत बहुत ही डिस्कस्टिंग काम है, बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग काम है। एक शहीद हुआ है कोई, जिसके लिए हम जस्टिस मांग रहे हैं। अब पापा ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी का नाम करना है या फिर उस पार्टी के लोगों के लिए, ऐसा नहीं थे। मेरे पापा कभी किसी को पार्टी पे, कलर पे, रिलीजन पे कभी जज नहीं किया उन्होंने, ना ही उन्होंने कभी डिफरेंस किया है किसी का। मैं बोल चुकी हूँ, हर बार बोल रही हूँ, इसे पॉलिटिकल इशू मत बनाइए क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू बनाने वाला काम नहीं है। उन लोगों के लिए पहली बात ये कि अगर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मैं आपकी करती थी, जो लोग ये लोग कर रहे हैं ना, शायद अब वो भी ना करूं, सच में वो भी ना करूं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आप, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, नाइदर माय फादर थिंक्स अबाउट दीज थिंग नॉर आई थिंक अबाउट दीज थिंग। मुझे बस इतना पता है उन्होंने इस नेशन के लिए किया है, तो अब नेशन की बारी है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे ये पॉलिटिक्स में इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अपने पापा की तरह इस नेशन में मज़ा आता है, इस नेशन के काम करने के लिए मज़ा आता है, इस नेशन के लिए कुछ करने का जज्बा है मुझ में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। ये भी ये सर ये ऑब्वियस बात है। पता है मुझे कहीं ना कहीं तक पता था कुछ ना कुछ लोग होंगे जो ये सब करेंगे, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी इसे पॉलिटिकल इशू मत बनाइएगा इस टाइम पे। प्लीज़ अलग अलग पार्टीज होने के अलावा आप एक साथ हो जाइए क्योंकि दे हैव चैलेंज्ड इंडिया, नॉट एनी पर्टिकुलर पार्टी। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में है बट ही वर्क्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉर ऐसे नहीं काम करते कि मैं बीजेपी में हूँ तो बीजेपी के लोगों के लिए काम करूँगा। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं। वैसे ही बोल रही हूँ कि अब पार्टी पार्टी खेलना बंद कीजिए, प्लीज एक साथ हो जाइए। देश की राजनीतिक पार्टियां हर मुद्दे को अपने फायदे के लिए भुनाने में लगी रहती हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब किसी की मौत को भी नहीं बख्शा जाता है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।